जी जी इसकी रिकॉर्डिंग भी कर दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मी वाहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के एक एक ऑब्स्टिकल को जो है वो डिस्कस करेंगे, और इसमें जो सबसे पहला ऑब्स्टिकल है उसको जनरली हम कहते हैं रोप। तो ये रोप जो है ये उस तरह की रोप नहीं है जैसे हम नॉर्मली अपनी आर्मी के अंदर हम लंबे होते हैं, तकरीबन 15 फुट के ऊंचे दूर होते हैं जिसके ऊपर फिर हम चढ़ते हैं, उसके ऊपर तक जाते हैं। मुख्तलिफ है जो ये पूरा दूसरी तरफ से इसके उतरना होता है। सो एक तरफ से चढ़ना है और दूसरी तरफ से उतरना है इसके। तो ये तकरीबन कोई टोटल आपको कोई 3 या 2.5 3 फुट जो है इसको अपने आप को ऊपर तो इस रस्से को पकड़े हुए आपने नीचे उतर जाना है। इसको जो है वो रोप का नाम दिया जाता है। इसके 11 नंबर होते हैं। ये ऑब्स्टिकल जो है ये बहुत ही दिलचस्प ऑब्स्टिकल है। सबसे ज्यादा होते हैं इस ऑब्स्टिकल को करने का जो तरीकाकार मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ जब बात करता हूं कि अगर आप फिजिकली माशाल्लाह फिट हैं, और तमाम बच्चे होते हैं फिजिकली फिट, तो अपनी इस फिजिकल फिटनेस के मुताबिक सबसे पहले इस रोप को अटेम्प्ट करने से आप बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। असल में तो आपने 2 मिनट के अंदर 9 ऑब्स्टिकल्स करने हैं, और 9 ऑब्स्टिकल्स करने के लिए 2 मिनट का ये टाइम है, ये आपको अगर आप तमाम ऑब्स्टिकल्स ठीक तरीके से करेंगे तो आपको 44 नंबर मिलते हैं। तो ये वाला जो ऑब्स्टिकल है ये जरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता है। फिटनेस जिसको हम समझते हैं दौड़ने भागने को, वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जब तक हमारे पेट के मसल्स मजबूत नहीं होते, हमारे हाथों के और हमारे कंधों के जो मसल्स हैं वो मजबूत नहीं होते, हम ये ऑब्स्टिकल नहीं कर सकते इसको बगैर इसकी प्रैक्टिस किए। तो अगर आपने ये ऑब्स्टिकल्स करने के लिए जो अपना प्लान बनाना है, तो उसमें मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि ये ऑब्स्टिकल जो रोप है ये उनका पहला ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए जिसको कि वो अटेम्प्ट करें, बल्कि मेरी ये एडवाइस होती है कि तमाम ऑब्स्टिकल्स करने के बाद जब टाइम बच जाए तो फिर इसके ऊपर आके अपना पूरा जोर लगा लें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप पहली दूसरी अटेम्प्ट में इसको नहीं कर पाते हैं, तो टाइम भी वेस्ट करेंगे आप, और आप एक तरह की एक जहनी शिकस्त के साथ आप अगले ऑब्स्टिकल कर रहे होते हैं कि मैंने पिछला ऑब्स्टिकल नहीं किया। तो ये वाली कैफियत जो है ना, इसके लिए मैं इसको जब मैं एडवाइस करता हूँ अपने बच्चों को, ये मेरी पहली एडवाइस होती है कि बेटा इस ऑब्स्टिकल को करते हुए सबसे आखिर में इसको अटेंड करो, ताकि फिर आपके पास बाकी मांदा टाइम इसके ऊपर अगर आप लगा भी दो तो आपका जो है वो रोज डिटर्मिनेशन वाला जो एक एलिमेंट होता है वो आपका नजर आ जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही दफा इसको अटेम्प्ट करके और इसके ऊपर अपनी डिटर्मिनेशन दिखाने लग पड़ोगे, तो 2 मिनट यहाँ पर खर्च हो जाएंगे और आप बाकी ऑब्स्टिकल ठीक करने के काबिल नहीं रहोगे। तो ये है इसका पहला, जिसको रोप कहते हैं। ये दूसरा ऑब्स्टिकल है जिसको हम टार्जन स्विंग कहते हैं। टार्जन स्विंग में जो इसकी अगर हम देखें तो ये आप इसकी देख रहे हो कि ये एक छोटे सा लॉग रखा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ के तो आप इस तख्ते के ऊपर चढ़ जाते हो या इस गोल पोस्ट के ऊपर चढ़ जाते हो। ये जो रोप है ये आपको पकड़ा दी जाती है और आप यहां से स्विंग लेते हो
और ये स्विंग लेते हुए बगैर टाय अपने पैरों को नीचे लगाए आप ये सामने वाले अगले गोल पोस्ट के ऊपर जाकर खड़े हो जाते। अब ये इसके ऊपर भी आप नंबर देख लो कि 7 नंबर का ये एक्टिविटी है। यहाँ पर जिस वक्त आप खड़े होते हो तो ये जमीन से समझ लें कि जो तकरीबन ये 4 फुट की बुलंदी के ऊपर ये गोल पोस्ट होती है, इसके ऊपर आप अगर 6 फुट के खड़े हो तो ये तकरीबन इस बुलंदी के ऊपर से आप जब नीचे देखोगे तो जमीन आपको जो है वो दिखाई देती है कि वो 14 फुट नीचे है। तो 14 फुट नीचे जमीन से जब आप यहाँ से स्विंग के लिए जाते हो तो आप बहुत सारे खदशात और जो है ना वो आपके जो है वो आपको माने करते हैं ये स्विंग लेते हुए। हालांकि ये बिल्कुल नॉर्मल स्विंग वही है जो झूला हम बचपन से लेते आ रहे हैं, ये बिल्कुल वही झूला है, सिर्फ इसमें ये फर्क है कि यहाँ पर आपने इसको पकड़ कर स्विंग लेनी और ये स्विंग लेकर आपने यहाँ पर दूसरे गोल पोस्ट के ऊपर जाके या खड़े हो जाए या इसके ऊपर से गुजर के और नेक्स्ट इस जगह के ऊपर छलांग लगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये ऑब्स्टिकल इसको टार्जन स्विंग कहते हैं, इसके 7 नंबर हैं और ये टार्जन जैसे दरख्तों के ऊपर उसकी छाले पकड़ के गुजरता था, इसी तरह से इसके मुतालिक भी इसके नाम को इसी वजह से रखा गया है कि टार्जन की तरह आप स्विंग लेते हुए एक दरख्त से दूसरे, एक गोल पोस्ट से दूसरी गोल पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं। जो तीसरा ऑब्स्टिकल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है डबल बॉक्सिंग रिंग। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये 2 रिंग बने हुए हैं या 2 चकोर तरह के बने हुए हैं, ये दोनों का के दरमियान एक रोप और यहाँ पर लगा दी जाती है। तो ये भी रोप लगी हुई है, ये भी रोप लगी हुई है, ये सारी भी चारों तरफ इसके रोप्स लगी हुई हैं और ये जो गोल पोस्ट जिस तरह से ये बनी हुई है या ये जो छोटे छोटे से पिलर्स हैं ये तकरीबन 3-3 फुट के पिलर्स होते हैं, 2.5 फुट से 3 फुट के दरमियान के पिलर्स। हमारा ये ऑब्स्टिकल बॉक्सिंग रिंग कहलाता है लेकिन इसको हम इमोशनल ट्रैप भी कहते हैं। करना ये होता है कि इधर से आप दौड़ते हुए आते हैं, इस रस्से के ऊपर से गुजरते हैं, फिर इस रस्से के नीचे से गुजरते हैं और फिर इस रस्से के ऊपर से गुजरते हैं। तो ये गुजरने का जो ये अमल है इसके अंदर ये लाल रंग जो लगा हुआ है ये आपके जिस्म के किसी भी हिस्से, आपके कपड़े के किसी भी हिस्से के साथ जब ये टच होता है ये फाउल गिरा जाएगा। जी बेटा ये फाउल तसव्वुर किया जाता है और आपको इसके नंबर नहीं मिलते। तो ये वाला ऑब्स्टिकल इसलिए बड़ा होता है कि इसमें आपको अपने बॉडी के ऊपर अपनी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आपकी बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी सोच जिस तरह से सोच रही है और आपका जिस्म जिस तरह से अमल कर रहा है अगर वो सिंक्रोनाइज्ड होगा तो ये ऑब्स्टिकल करना कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आपके जहन के अंदर बहुत सारे खदशात खौफ घुसे हुए होंगे कि मैं पता नहीं ये छलांग लगा सकूंगा, हालांकि ये कोई लंबी छलांग नहीं है, ये टोटल 2.5 फुट 3 फुट का ये जो है ना ये इसका जो है ऊंचाई बनती है, तो इसके ऊपर से गुजरना है, इसके नीचे से गुजरना है और इसके ऊपर से गुजरना है। तो ये जगह चूंकि इतनी तंग होती है कि इसके अंदर आप अपनी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आपकी बड़ी परफेक्ट होगी तो आप आसानी के साथ इसको पार कर सकते हो, वरना इस ऑब्स्टिकल के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसको डबल बॉक्सिंग रेंज और इमोशनल ट्रैप भी कहते हैं। अगला जो आपको खड्डा नजर आ रहा है ये इसको डिच कहते हैं। इस डिच की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5 फुट और 6 इंच होती है और इसकी गहराई तकरीबन 4 फुट होती है। तो आपने यहाँ से आना है और ये इसकी एजेस जो है ना ये बड़ी शार्प होती है, ये बिल्कुल जो है ना ये शार्प एजेस वाले ये डब्बा एक या खड्डा एक बना हुआ होता है। तो इसके यहाँ से आपने छलांग लगानी है और इसके पार चले जाना है, दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट। कोई इसके अंदर कोई टेक्निक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि अपनी अगेन इट इज माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। अगर आपकी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन और आपके अंदर वो खौफ नहीं है कि आप गिर जाओगे, क्योंकि ये जो एजेस लगे हुए हैं ये आपको बहुत कॉन्शियस करते हैं कि मैं यहाँ पे गिरूंगा और मेरी टांग यहाँ पर लगेगी और मुझे मैं जख्मी हो जाऊंगा। आज तक कभी मैंने किसी को यहाँ पर जख्मी होते नहीं देखा, लेकिन इस खौफ से मैंने बहुत सारे बच्चों को ये पार करते हुए रुक जाना बेशुमार बच्चों को, लेकिन जिन बच्चों ने इसको कभी जिन्होंने भी कभी एक दफा कोशिश की है तो इसको पार करना मसला ही कोई नहीं है बेटा। ये जैसे हमारे देहाती इलाकों के अंदर
छोटे छोटे से खाल होते हैं, ये एक छोटा सा खाल है और क्या, दैट्स ऑल, इसकी इससे ज्यादा कोई वर्थ ही नहीं. सो दिस इज, ये है ऑब्स्टिकल का उस तरह से आपका एक साइकोलॉजिकल आपके अंदर जो खौफ जो छुपे हुए होते हैं वो इस खड्डे के ऊपर जो है ऐसे बच्चों के दिखाई देने लगते हैं. ये बेटा हैंगिंग ब्रिज है और इस ऑब्स्टिकल की जो सबसे बड़ी इसकी खसूसियत है वो ये कि ये ऑब्स्टिकल मैंने और कर्नल मेरे साथ मेरे दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत अल-फिरदौस में जगह अता फरमाए, कर्नल शफकत सईद वो और मैं, हम दोनों ने ये ऑब्स्टिकल डिजाइन किया था. इस ऑब्स्टिकल से पहले जो था वो आप पुरानी किताबें उठाकर देखें तो जिस तरह की वो स्लाइड नहीं बनी होती, इस तरह का एक प्लैंक की तरह का एक पूरी स्लाइड बनी होती थी, आपको दौड़ते हुए आके और उसके ऊपर तक जाना होता था और फिर ऊपर से नीचे छलांग लगा देते. तो उस वो बड़ा वक्त के साथ साथ दैट लॉस्ट इट्स, उसकी जो वो अहमियत थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई और तकरीबन 50 साल के बाद फिर हमने उसको जो है वो डिस्कार्ड करके उसकी जगह के ऊपर ये ऑब्स्टिकल हमने बीच में प्लान किया. ये क्या है, ये भी बिल्कुल उसी तरह पुराने पुराने वाले की तरह ये भी एक खड्डा है, लेकिन इस खड्डे के ऊपर क्या किया है हमने, एक पिलर्स जो है वो चार पिलर्स हमने इसके लगाए चारों कोनों के ऊपर और उनके साथ हमने बहुत मोटे से संगल के साथ जो है चेन के साथ हमने इस फट्टे को यहाँ पर बांध दिया और इन चारों कोनों से इसको बांध दिया यहाँ पर. तो ये तख्ता जो है ये अब यहाँ पर हैंग करता है, ये इसके अंदर मूवमेंट होती है तो वो खौफजदा कर देती है बच्चे को गुजरते हुए. तो ये कोई करने वाला इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बिल्कुल बगैर कॉन्शियस हुए दौड़ते हुए आना है, एक पैर इसके ऊपर रखना है और अगले जंप लगाकर आपने इसके पार चले जाना है. अगर जो बच्चे यहाँ पर खड़े होकर और इसको एक एक कदम उठा के पार करने की कोशिश करते हैं वो गिर जाते हैं और उनको चोट भी लग सकती है. तो ये करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है कि ये दौड़ते हुए आए, इसके ऊपर पैर रखें और पार कर जाएं. सो जब आप लोग फिजिकली करोगे तो देखना ये 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 सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्स्टिकल है और इसके भी उसी तरह से तीन नंबर आपको जो है वो मिल जाते हैं. इसको हम मंकी ब्रिज कहते हैं. ये दो ऊंचे पिलर्स के दरमियान जो है ये रस्से बांधे हुए हैं, एक रस्ता जो है दोनों रस्से एक दूसरे के पैरेलल ये बंधे हुए हैं. इस पे करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से बच्चा ऊपर चढ़ता है इसके रस्से के ऊपर, यहाँ पर पांव रखता है, इसको हाथों से पकड़ता है और हाथों और पैरों की मदद से चलता हुआ वो यहाँ से इधर आएगा और यहाँ से इस रस्से की मदद से इसको पकड़ के नीचे उतर जाएगा. तो ये मंकी ब्रिज कहलाता है. इसको करने के कई तरीके हैं. एक तरीके में ये है कि बच्चे यहाँ से अपने हाथों से इसको पकड़ते हैं और हाथों से ही पकड़ते हुए लटकते लटकते हाथों से पकड़ते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और नीचे उतर जाते हैं. दूसरा ये होता है कि इसके ऊपर टांगे लगा लेते हैं, टांगों के साथ इसको ऊपर से जैसे बंदर पकड़ लेते हैं टांगे, टांगों के साथ और हाथों के साथ, और उस तरह से चलता हुआ भी आ सकता है. तो एनी मेथड कैन बी ट्राइड, लेकिन जेन में ये रहे कि ये ऑब्स्टिकल करते हुए आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो. ये सबसे ज्यादा वेस्ट करने वाला टाइम है क्योंकि ऊपर चढ़ना, फिर यहाँ से चल के यहाँ तक आना, फिर ये नीचे जंप करना, सो इट टेक्स द मैक्सिमम टाइम. तो ये ऑब्स्टिकल भी कोई ऑब्स्टिकल के अंदर इसकी बात नहीं है, कोई इसके अंदर कुछ, बस सिर्फ ये कि एक उतनी हाइट के ऊपर चलते हुए बच्चे के ऊपर क्या, जब वो झूल भी रहा हो रस्सा तो उस बच्चे के ऊपर क्या उसके असरात मुरतब होते हैं, दैट इज इनसिग्निफिकेंट. कोई ऐसी चीज नहीं है, जिन बच्चों के अंदर इस किस्म का खौफ नहीं होता वो बिल्कुल आसानी के साथ पार करते हैं. अगला ऑब्स्टिकल बड़ा ही मजेदार ऑब्स्टिकल है, ये इसको टायर कहते हैं. इसके सबसे कम नंबर होते हैं, दो नंबर का ये ऑब्स्टिकल होता है. इसको करने का तरीका ये है कि ये जमीन से तकरीबन कोई 2.5 फुट की ऊंचाई के ऊपर ये टायर लटक रहा होता है और इसके अंदर से आपने गुजरना होता है. तो जो बच्चे जिनका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो गलत होती है तो वो इसके अंदर पहले सर डाल के अपने आप को फंसा लेते हैं. तो इसका करने का तरीका यह है कि इसको हाथ से पकड़े, अपने पैरों को ऊपर उठाएं, पैरों को इसके अंदर डालें और आराम से इसको उधर स्लाइड करके पार कर जाएं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग और इसके अंदर भी कोई ऑब्स्टिकल की नाम नहीं है, लेकिन बस सिर्फ यह है कि माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन और आपको
क्या ये वो सूझबूझ है, क्या आप अपने आप को ओरिएंटेट कर सकते हो चीजों के, जो आप कुछ चीज बताई जा रही हो तो उसको कितने गौर से आप सुनते हो, ये इसके अंदर सबसे ज्यादा मकसूद चीज होती है। सो दिस इज इस ऑब्स्टिकल को टायर कहते हैं। उसके बाद ये भी बहुत ही मजेदार ऑब्स्टिकल है, इसको हम ज़िगज़ैग कहते हैं। ज़िगज़ैग के अंदर तीन गोल पोस्ट जो है वो एक दूसरे से जो तकरीबन 45 के एंगल के ऊपर, ये 65 से 35 के एंगल के ऊपर चल रही होती हैं, इनके दरमियान तकरीबन कोई एक एक फुट का जो है ये गैप होता है दोनों के दरमियान। और ये यहाँ से जब आप शुरू करते हैं तो ये तकरीबन 2 फुट की ऊंचाई से शुरू करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक 3 फुट आ जाता है, ये फिर 1 फुट का पार करके तो ये तकरीबन 3.25 फुट यहाँ तक पहुँचते हुए 3.5-4 फुट हो जाता है, फिर ये पार करते हैं, फिर सीधा गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये तकरीबन 5 फुट 4.5-5 फुट के करीब जो है ये इसकी ऊंचाई यहाँ पर आ जाती है। तो ये भी बच्चे जो है ये चूंकि इसकी चौड़ाई तकरीबन इतनी होती है कि आप आसानी से चल सके, लेकिन वो कॉन्शियसली जब आप उसके ऊपर चलते हैं तो बड़े जो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी चढ़ रहे हो तो वो खौफ आ जाता है। खास तौर पे लड़कियां इस ऑब्स्टिकल को करते हुए बहुत खौफजदा होती हैं, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्स्टिकल। ज़िगज़ैग इसको कहा जाता है, 5 नंबर इसके आपको मिलते हैं। इसकी खासियत यह है कि इन पूरे फट्टों के ऊपर आप किसी जगह के ऊपर अपना हाथ नहीं लगा सकते, आपको सिर्फ अपने पैरों की जो तलवे हैं वही सिर्फ इनबाउंड होते हैं, बाकी ये आपके जिस्म का कोई हिस्सा भी जो है वो इसके लिए आउट ऑफ बाउंड होता है। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्स्टिकल करते हुए कर जब आप दौड़ते हुए आते हो तो ये भागते हुए बचे कर जाते हैं। ये इसको हाई जंप कहते हैं, यहाँ से आते हैं, ये 4 फुट और तकरीबन 5 इंच का ये गोल पोस्ट बनी होती है, इसके ऊपर ये बिल्कुल 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 लाइट सा वो जो है ना वो एक लाइट सी एक स्टिक होती है जो इसके ऊपर रखी होती है कि अगर आपका इसके ऊपर पैर लगे तो वो गिर पड़ती है, वो उसके उसके लगने से आपको आपको आप गिरते नहीं हो लेकिन ये खुद गिर जाती है, तो ये बिल्कुल लूज लगाई होती है। तो ये आपको करने के लिए अगेन योर माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, योर फिटनेस, आप किस स्टेज के ऊपर अपने आप को ऊपर जंप करते हो, अपने पैरों को कितना ऊपर क्लोज करते हो और इस हाइट को जो 4 फुट 5 इंच की है इसको पार करके दूसरी तरफ एक नर्म सॉफ्ट सैंड होती है उसके ऊपर आप चले जाते हो। सो दिस इज अगेन दिस फेच यू 2 नंबर्स। तो ये हाई जंप और खड्डा, वो तीसरे वाला जो है वो हैंगिंग ब्रिज, और चौथा जो मंकी ब्रिज, ज़िगज़ैग और टायर और हाइट। तो ये 9 ऑब्स्टिकल आपने जो है इसमें देखे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इन 9 ऑब्स्टिकल्स का जो पूरा इनके करने का तरीका, इनके साइज, इनकी डायमेंशंस, ये सिर्फ आपके आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये इसके ऊपर दिखाया गया है। इंशाल्लाह ताला जमीन के ऊपर जब हमें मौका मिलेगा, अल्लाह खैर करे, अब ट्रांसपोर्ट भी खुल रही है और बाकी सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिदम पे आ रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जून के हम 3rd-4th week के अंदर आप मेरे पास यहाँ पर 1-2 दिन के लिए, मैं आपको यहाँ पर जो है वो कहूँगा कि आ जाएं और ये ऑब्स्टिकल्स भी आप करेंगे, हम कुछ कमांड टास्क भी जो है वो जमीन पे करेंगे, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, मतलब जीपीओ टास्क का जो एक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन, इसको हम इंशाल्लाह ताला फिजिकली भी जमीन के ऊपर भी करेंगे। नाउ आई एम ओपन फॉर अ क्विक क्वेश्चन आंसर इफ यू वांट एनी। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अब्दुल्ला। सर, ये जो रोप है 11 मार्क्स की, सर इस पे काफी थोड़ा मसला होता है। इस पे क्या मसला होता है? सर, इसको ट्राई किया था लेकिन ये मेरे से हो नहीं पाया था। आपने इसको आपने इसको कितने नंबर के ऊपर अटेम्प्ट किया था? सर, 30 नंबर पे। तीसरे नंबर के ऊपर अटेम्प्ट करने के बाद आप उसके बाद ऑब्स्टिकल्स करने जा सके होगे? सर, गया था, इसको पहले एक मतलब ट्राई किया, फिर दूसरी मतलब ट्राई किया, जब नहीं हुआ फिर तीसरी मतलब मैं किसी और चला गया था, फिर मैंने ज़िगज़ैग किया था उसके बाद।
मैंने अभी आपकी मेरे ख्याल है ज्वाइन करने से पहले मैंने आपको इन बच्चों को मैंने सबसे पहले ऑब्स्टिकल यही था जिसके ऊपर बातचीत की, और मैंने यही एडवाइस किया था कि ये ऑब्स्टिकल सबसे पहले 2-3 में ऑब्स्टिकल इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑब्स्टिकल सबसे आखिर में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि फिर आप अपनी सारी एनर्जी जो है वो एक वक्त में इसके ऊपर लगा दो। जब आप शुरू में इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर देते हो तो आप बाकी ऑब्स्टिकल्स भी आप छोड़ देते हो और ये भी नहीं आपसे होता। तो ये बच्चे जो है वो 11 नंबर के शौक में इसकी तरफ भाग तो पड़ते हैं कि जी हमें 11 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन बेटा वहां पर इन नंबरों की कोई हमें अहमियत नहीं। हम तो ये देखना चाहते हैं कि आप ये मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल करते हुए आपकी कैफियत क्या होती है। हम मैं वही चीज आज इस पूरे बातचीत में मैं क्लियर करना चाह रहा था कि इन ऑब्स्टिकल्स के करते हुए हमने तो वो प्रोसेस देखना है आपका करते हुए। हम तो वो जो आपके अंदर छुपे हुए कुछ खौफ है, कुछ छुपे हुए कुछ छोटे छोटे से लालच है, कुछ छोटी छोटी सी ऐसी चीजें कि जो आपकी शख्सियत को जो है वो नुमाया कर देती हैं चीजें, हम तो वो उन चीजों को जो है इसके अंदर से देख रहे होते हैं। एक बच्चे मेरे जो इनिशियल टाइम था तो मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने इन ऑब्स्टिकल्स को 2 मरतबा किया तो उसने 88 नंबर ले लिया। उसके बाद अभी फिर टाइम बचा हुआ था और उसने वो खड़े के ऊपर खड़ा हो गया और एक तरफ से छलांग और दूसरी तरफ से छलांग और ये छलांगे लगा लगा के उसने तो ही स्कोर्ड 128 नंबर्स। तो 128 नंबर लेने के बावजूद हमने हमें से किसी भी सिलेक्टर ने, मतलब मैं तो जीडीओ था उसका, मैंने तो उसके ऊपर उसके जो चांस मेरा बनता था वो तो मेरा ही चांस लेना बनता था उसके ऊपर। मैंने नहीं उसके ऊपर चांस लिया, उसके ऊपर किसी और ने भी चांस नहीं लिया हुआ था, ना साइकोलॉजिस्ट ने ना उसने क्या नाम है उसका डिप्टी प्रेसिडेंट ने। तो जो हमारी कल की बातचीत है जिसके अंदर मैंने एक बात बड़ी वाजे तौर पर क्लियर की कि हमारी शख्सियत जो है वो 4 चीजों का मुरक्कब बनती है तो फिर हमारी शख्सियत बनती है। और वो क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1 है हमारी फिजिकल कोशेंट, नंबर 2 के ऊपर है हमारा इंटेलेक्चुअल कोशेंट, नंबर 3 के ऊपर है हमारा इमोशनल कोशेंट और नंबर 4 के ऊपर है हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट। ये 4 चीजें 25-25% है हमारी शख्सियत के, और हमारी शख्सियत के इन चारों एस्पेक्ट के ऊपर जब तक हमारी ग्रिप नहीं होगी, हमारी शख्सियत हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। इसमें से किसी एक के ऊपर हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए और बाकियों को छोड़ दें। तो वो बच्चा ऐसे ही था कि उसने 128 नंबर तो ले लिए फिजिकल क्वेश्चन के, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन के अंदर उस बच्चे का परफॉर्मेंस जो थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो इन चीजों से मिलके जो उसकी शख्सियत का जो एक पूरा ऑरा जो, 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 जो बन गया वो इतना नहीं था कि वो उसको लेकर जा सकता अगली मंजिल के ऊपर, ICSB से क्लियर हो सकता है। अब्दुल्ला क्लियर? यस सर। ओके जी, बाकी किसी और का कोई सवाल? अली नवाज सर। सर मेरा ये है कि सर अगर फिजिकल ऑब्स्टिकल आपने मतलब कर लिए और आपके पास कह रहे थे कि मास उसके 1-2 एक एक सिर्फ चीज के ऊपर मैंने आपको बताया ना, तो उसके सिवाय 128 यस सर। मैं आपके लिए तो मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि आपके पास अगर टाइम बचता है आप दो दफा इसको करो, आप 88 नंबर लो इसके, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजों के अंदर भी आपकी जो है वो परफॉर्मेंस पूरी होनी चाहिए। यस सर। और सर जिस तरह सर आप बच्चे की बात कर रहे हैं कि सर एक ही वो ऑब्स्टिकल को आप बार बार करते जाएं, हमने तो मार्क्स की करे हैं 44 हमने अचीव कर लिए हैं, बेचारे मार्क्स ज्यादा हो तो जो हमें ऑब्स्टिकल ज्यादा आसान लगता है का फॉर एग्जांपल तुम दोबारा कर लें इसके बजाय कि सब को दोबारा करें। बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। जो वहां पर आजकल नॉर्मल जो प्रैक्टिस में मैं वहां पर देखता रहा हूं ये कि एक मरतबा पूरे ऑब्स्टिकल्स को करने के बाद दोबारा नहीं करता कोई, और वो किसी एक ऑब्स्टिकल को पकड़ लेता है। अगर किसी का रस्सा अच्छा है, उसके बाजू बहुत मजबूत है, वो रस्सा उतरता चढ़ना शुरू कर देता है, एक दफा चढ़ता है उतरता है 11 नंबर मिल जाते हैं उसको।
या उसको अगर डबल बॉक्सिंग रिंग के ऊपर से वो गुजरना शुरू कर देता है या वो चढ़ जाता है उसके ऊपर टार्जन स्विंग के ऊपर और वहां से वो दूरे लेने शुरू कर देता है एंड ही स्टार्ट गेटिंग द नंबर्स. तो नंबर्स लेना, नंबर का स्कोर करना आपको कोई जो है ना वो यकीनन एक आपकी फिजिकल फिटनेस तो दिखाता है, बट सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही दिखाता है. ठीक है जी. अहद आपका कुछ सवाल बेटा इस हवाले से? नहीं सर, बस यही था कि दोबारा करने चाहिए या नहीं, बस यही पूछा. दोबारा अगर आपके पास टाइम बचता है तो यकीनन आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो है एक दफा दोबारा एक और दफा करूं. आज तक अजीज भट्टी का जो है वो उसके ऊपर रिकॉर्ड है और वो सोडा फॉरन पास आउट हुए और फिर निशान हैदर वो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज उनको जो है वो अता हुआ. तो वो ही वाज अ डिफरेंट पर्सन. इसी तरह शबीर शरीफ शहीद भी जो थे उनका भी जो है वो सोडा फॉरन के साथ पास आउट हुए. तो ये कोई चीज आपको माने नहीं है कि आप परफॉर्म ना करो. परफॉर्म करो जितना आपके अंदर अल्लाह पाक ने आपको जितनी एनर्जी दी हुई है, जितनी आपको सलाहियत दी हुई है, अपनी सलाहियतों का पूरा मुकम्मल इजहार करो वहां पर. मैं अपने साथ जब मैंने 1982 में जब मैंने ISSB किया तो गुजरांवाला में हमारा सबसे पहला बैच था जो ISSB का जिसकी हुई हमारे कोर्स का वो सबसे पहला बैच. तो और फिर अल्लाह पाक ने मुझे वो एजाज दिया कि उस पहले बैच में से आई वॉज द ओनली वन जो वहां पर फिर उसी इदारे के अंदर मैं कमांडेंट की हैसियत से भी मुझे खिदमत सर अंजाम देने का मौका मिला. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने उसी इदारे के अंदर फिर मैंने उसको कमांड भी किया. तो ISSB की जब मैं गया था 1982 में तो हमारे साथ बड़े बड़े जबरदस्त बच्चे आए हुए थे. एक बच्चा आया हुआ था वो ये जो स्केटिंग के शूज अपने साथ लेकर आया हुआ था. अच्छा वो शाम को जिस वक्त हम लोग फारिग हो जाते थे तो वो अपने स्केट्स लेके तो वो कैंट के अंदर उस बारे में हम बाहर जा सकते थे. बाहर आप सिनेमा भी था, मार्केट भी थी, यू कैन गो देयर. वो आपको इजाजत होती थी आप यू कैन गो देयर आउटसाइड. अभी तो खैर सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं, आप तो बच्चे बाहर ही निकल सकते हैं. तो वो निकल जाता था इस्लामाबाद अपना गुजरांवाला की सड़कें उसको बिल्कुल नई नई बनी हुई थी और उसके ऊपर वो स्केटिंग करता था. वहाँ हम बड़े मुतासर होते थे. कोई बड़ा मुतासर एक था वो जूडो कराटे का वो कोई पता नहीं कोई बड़ा चैंपियन था. वो अपने साथ इतनी सारी जो है वो अपने सर्टिफिकेट उठा के लाए हुए. अच्छा एक बड़ा ही दिलचस्प कैरेक्टर था हमारे साथ. वो कोई जो था ना उस जमाने के किसी क्लब के अंदर वो डांसर था वो, और वो फौज के अंदर जनाब आ गया. अब जो अंदाजा लगाए कि उस बच्चे ने अपने आर्मी में आने के लिए उसने क्या तैयारी की हुई थी. इन 1982 ही बॉट अ 3-piece सूट worth 10,000 rupees. ₹10,000 का 1982 में सूट का मतलब है कि वो आज का ₹2,00,000 में वो सूट मिलेगा. हमें जिनके ये गुची मुची इनका तो हमें किसी का उस वक्त हमें नाम ही नहीं आते थे उस जमाने में. वो पता नहीं सेंट माइकल्स का क्या सूट उसके ऊपर पहना हुआ और उसके ऊपर तुर्रा. उसने अपने साथ जो वो खुशबू लेकर आया हुआ था वो 3,500 की वो उस जमाने में खुशबू लेकर आया हुआ था जो सेंट उसने लगाना था इस ओकेजन के लिए. मुझे नहीं ये देखो ना ये क्या दिखाने के लिए वो आया था यहाँ. वो क्या अपनी क्या जाहिर करना चाहता था. वो हमें इंप्रेस कर रहा था या वो सिलेक्टर्स को इंप्रेस कर रहा था. तो ये वो बैलेंस होते हैं कि जो हमें अपनी शख्सियत को हमने कैसे कैरी करना है, हमने हम कैसे जाने जाएं. मुझे आज उसका चेहरा भूल चुका हुआ है उस बच्चे का. आई डोंट नो कभी जिंदगी में दोबारा उसको नहीं देखा लेकिन मुझे इसकी ये सारी चीज मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि उसने ये क्या किया थी, ये क्या हरकत की थी. तो ये वाले ऑस्पेक्ट बेटा जो है हमारे ISSB का जो हमारा पूरा सिस्टम है
उस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम अपनी अपनी शख्सियत की जो स्ट्रेंथ्स है वो वहां पर हमें दिखाने का मौका मिलता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे से जो है ना वो इवेंट क्रिएट किए हुए हैं। GTO स्टार्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ इवेंट्स क्रिएट किए हुए हैं आपकी एक्टिविटी करवाने के लिए। आप लोग ये डिस्कशंस, ये प्लानिंग्स, ये आउटडोर टास्क, ये इंडोर टास्क, ये सब जो है ये सिर्फ एक्टिविटीज है वहां पर जो आपको आपसे करवाई जाती है। और उन एक्टिविटीज के अंदर आप कैसे पार्टिसिपेट करते हो, आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हो कि आप अपने ग्रुप के साथ भी शामिल हाल हो, और वो कोई आपको कोई उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की कहीं से जरूरत नहीं पड़ती। ये आपकी अपनी शख्सियत होती है कि जो लोगों के साथ काम करने के लिए कैसे वो जो है वो अपना स्टांस लेती है। तो ये चंद एक चीजें जो है वो इस हवाले से आप लोगों के इल्म में लाना जो था वो बहुत अहम था, इसलिए मैं आज के इसको बहुत ही अहम इसलिए गिरदाता हूँ इस ऑब्स्टिकल्स वाले लेक्चर को, कि इसमें हमने वो ऑब्स्टिकल जितने भी आपने अभी देखे हैं ये को करते हुए यू नीड नॉट टू हैव वेरी कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं आपको चाहिए। जैसे आपको फर्ज करें कि आपने माउंटेनियरिंग के लिए जाना हो तो माउंटेनियरिंग के लिए जाते हुए आपको बहुत सारा सामान जो है उसको इस्तेमाल करने का आपको तरीका आना चाहिए। आपने उनको कैसे मुख्तलिफ अपने स्टेजेस के ऊपर आपने उस मॉनिटरिंग के उस सामान को आपने इस्तेमाल करना है, ये पूरा आप पहले सीखते हो फिर आप मॉनिटरिंग करने के लिए जाते हो। लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखने की जरूरत, ये आपकी टोटल कॉमन सेंस की बातें हैं। एक कॉमन सेंस के साथ आप कैसे अपने काम को सर अंजाम देते हो। वी डोंट सी एनीथिंग एक्स्ट्रा इन यू, वहां पर हम आपके अंदर हम आपकी सिर्फ एक कॉमन सेंस और आपके कंडक्ट को देखते हैं कि आपकी शख्सियत एक गिवन सिचुएशन के अंदर कैसे बिहेव करती है। जब आपको कमांडर बना दिया जाता है तो आपके अंदर क्या एकदम अचानक क्या एक ऐसी चीज आ जाती है कि आप लोगों के ऊपर जो है वो शाउट करना शुरू कर देते। सो ये वो कंडक्ट, ये वो बिहेवियर, ये जो हमारी साइकोलॉजिकल डिस्प्ले जो है हमारी शख्सियत का, हम तो इसके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं सिलेक्टर की। तो अपनी जात को, अपनी शख्सियत को किसी भी तरह से मास्क करने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि मैं अपने ऊपर एक तारी कर लूं कि जी मैं टार्जन ही हूं। मैं टार्जन नहीं हूं भाई, टार्जन स्विंग मैं कर सकता हूं लेकिन मैं टार्जन नहीं हूं। मैं मंकी ब्रिज कर सकता हूं लेकिन मैं मंकी नहीं हूं। सो ये वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको जहन में रखना जरूरी है, और वो इंशाल्लाह जब आप इसको फिजिकली जब आप करोगे आकर यहाँ पर, तो आपको फिर उस वक्त अंदाजा होगा कि इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। जी हमजा के बाद अभी हमजा, एनी क्वेश्चंस? नो सर, सब समझ आ गया सर। वेरी गुड। एंड दानियाल सर, समझ आ गया है सर। इसका मतलब सर जो दो लास्ट वाले हैं सर, एक मंकी ब्रिज और एक रोप, सर ये दोनों में लास्ट पे करने चाहिए, ये टाइम दिस इज ये कम से कम आपको इसी की एडवाइस है। बिल्कुल सर, राइट सर, आपको इसी की एडवाइस है। अहद एंड हमजा, आई नो कि ये इनका जो है वो बैकग्राउंड मिलिट्री कॉलेज वाला है, इनको ये काम करते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये वहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स वगैरह जो है वो करते रहते हैं, इनके मसल्स उस तरह से बने हुए हैं, इनकी टाइमिंग्स ऐसे हुई हुई हैं, इनकी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशंस बड़ी बाकी सिविल में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले में इनकी फिजिकल क्वोशन्ट जो है इन बच्चों का बहुत बेहतर होता है हमारे सिविल में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले। तो अगर अहद मलिक फील्स के जी वो उसके बाजू के अंदर इतनी ताकत है और वो उसके मसल्स के अंदर इतनी ताकत है तो वो छलांग लगा के चढ़ जाए ना मंकी ब्रिज के ऊपर। लेकिन इनकी वहां पर पोजीशनिंग भी ऐसी ही है कि आपको तकरीबन दरमियान में खड़ा करते हैं, आप इन तमाम ऑब्स्टिकल्स के दरमियान में खड़े होते हो, एंड देन यू टेक अ कोर्स ऑफ योर सेल्फ कि मैंने किस तरफ से लेके चलना है किसी चीज। तो आप एक ऐसा कोर्स उसमें रखोगे जिसमें सबसे पहले आपको हाई जंप करें, जिगजैग करें,
डबल बॉक्सिंग रिंग करें, उसके बाद टायर आ जाएगा, टायर के बाद घूमेंगे तो सामने मंकी ब्रिज होगा, मंकी ब्रिज से राइट की तरफ घूमेंगे तो जिगजैग आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ घूमेंगे तो सामने से रोप आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही वहां पर पड़े हुए, तो इनका वो ऑर्गेनाइज किस तरह ये अपना अपना कोर्स खुद सिलेक्ट करता है। तो दानियाल आपका कोर्स जो भी हो उसके अंदर ये वाले जो ऑब्स्टिकल्स, दो बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, ये आखिरी आपके अटेम्प्ट करने वाले होने चाहिए। राइट सर। तो आज का उस तरह से तो मेरा लेक्चर जो है, इट हैज नथिंग मोर टू ऐड। इसको अपने पास रिकॉर्ड भी ये आपके पास होगा, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज के इसको एक दफा देखने के बाद आप लोगों को इसको दोबारा भी देखने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। और खैर से जब आप यहाँ पर यहाँ आएंगे तो आपके बाकी सारे जो जमीन के ऊपर बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब अली नवाज, खैर से आप अगर कल मुझे ये भिजवा देते हो और परसों तक मुझे मिल जाता है तो मैं इसको ईद से पहले पहले इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लूँ कि हम सबके पास जो है ये टॉपिक्स इसके पहुंच जाए, एंड वी ऑल ऑफ अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑल दीज नोट्स अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह। यस सर, सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। अरबा खैर वाकित रखे। आई हैव नथिंग मोर टू से, अपने अपने कामों को लग जाए इस टाइम को, जो आज का आपको एक्स्ट्रा टाइम मेरे से बातचीत के अलावा भी मिल रहा है। तो जो 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 टास्क मैंने दिए हुए हैं उसको बैठ के लिखिए भी, पढ़िए भी, और अपने बेटा पढ़ने से ही आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, आपका इंटेलेक्ट लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। जब आप इस अमल को अपने रोक देंगे, आपका आईक्यू जो है वो वहीं पर रुक जाएगा। अपने आईक्यू को पढ़ना नहीं बेटा, इसका तो हुक्म कुरान ने हमें दिया है, अल्लाह पाक के नबी ने, कि उसवा से है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की दहलीज तक हमें इल्म हासिल करना है। हमारा आईक्यू इंक्रीज होते रहना चाहिए, हमारा आईक्यू नीचे नहीं जाना चाहिए। ये आपका अपने अपने साथ एक खुद एक अपना प्लेज कीजिए। गुड लक सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी 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 प्लीज सर। सर मेरे एक कजन है सर, अहमद नवाज सर। सर अभी वो नेवी का सर कर परसों सर शॉर्ट कोर्स अनाउंस हुआ है सर नेवी में। सर वो उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे थे सर, वो भी कुछ गाइड वगैरह ले रहे थे सर। उनके भी इनिशियल वगैरह होते हैं सर? बिल्कुल इसी तरह से इनिशियल होते हैं। थोड़ा सा एक ही पैटर्न होता है, तो आस्क हिम टू जॉइन इन, उनको भी जॉइन इन कीजिए। इंशाल्लाह ईद के बाद वो भी हमारे साथ शामिल हो जाने चाहिए। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। और भी इस तरह और भी बेटा इस तरह के बच्चों को भी इकट्ठा करें ताकि आपका ग्रुप बड़ा हो, तो आपके अभी वो आपस में हम चार चेहरे भी आपस में एक दूसरे को देख देख के जो है वो अक ना जाए कहीं। सो लेट्स हैव सम फ्रेश ब्लड एज़ वेल। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। यस सर। जी दानियाल प्लीज गो अहेड। सर वो जो नेवी का सर कोर्स है सर, उसमें भी हम रजिस्ट्रेशन अपनी करवा दें या नहीं जरूरत? करवा दीजिए, व्हाई नॉट। राइट सर। वो नेवी के स्ट्रीम के अंदर फिर आप चले जाते हो ना। कंट्रोल तो बेटा सबका जो है वो आईएसएसबी का, वो एजी ब्रांच करती है। आर्मी नेवी एयरफोर्स का जितना भी है वो जीएचक्यू के अंदर इसकी सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है वो कल्मिनेट होता है। और सर प्री मेडिकल वाले सर नहीं नेवी के लिए?